अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रोलर कोस्टर की राइड ले रही हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा फील भी हो रहा हो। अच्छा, तो मैं ये रोलर कोस्टर के ड्राइवर देख लें, आप लोग डर जाएंगे देख के। अच्छा, तो मैं आप लोगों को आज एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लगी थी। सबसे पहले तो हम लोग तकरीबन जो है वो अच्छा, सीरियसली, बैक टू सीरियस नोट, हम लोग तकरीबन 7 डेज जो है ना, बच्चे अपने नाना के घर नहीं आए, क्योंकि नाना जो थे वो आइसोलेशन मोड में गए हुए थे। एक्चुअली छोटी सी बात आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि इन प्रिकॉशंस को आप लोग भी फॉलो करें। लाइक जो मेरे बाबा हैं, हम 7 डेज में थके थे। अच्छा, जो मेरे बाबा हैं ना, वो एक्चुअली एक जगह पे लाइक एक क्लिनिक, लाइक ही इज़ अ डॉक्टर, और वो एक क्लिनिक में जाते हैं शाम को तो अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो वहाँ पे जो एक और उनके कुलीग डॉक्टर हैं, उनको फीवर था और ये बात उनको पता नहीं थी, ठीक है। और जब वो जो डॉक्टर साहब थे दूसरे, वो भी मतलब बुखार में ही आए हुए थे अपनी क्लिनिक पे, तो जब ये बात बाबा को पता चली तो बाबा ने अपने आप को 7 डेज के लिए आइसोलेट कर लिया कि उस बंदे को फीवर था, कोई सिम्टम्स नहीं पता था, कुछ भी नहीं था, मे बी उस बंदे को भी कोरोना वायरस ना हो। लेकिन हम लोगों से, बच्चों से दूर रहने का मकसद सिर्फ ये था कि बच्चों से इंट्रैक्शन ना हो, कि खुदा ना खास्ता कोई अगर सिम्टम्स आते हैं तो वो 7 डेज के अंदर अंदर पता चल जाए। लेकिन अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक रहे इन 7 डेज में। और फिर जो है वो इस तरीके से 7 डेज के बाद बच्चे अपने नाना से मिलने के लिए उनके घर आए हैं, ठीक है। तो अब आज संडे है और मैंने कपड़े कल वाले पहने हुए हैं, मतलब आज का नया व्लॉग है, ठीक है ना। अच्छा, आज संडे है और आज फादर्स डे भी है। वैसे तो हर दिन ही वालदैन को होता है, लेकिन ज़रा बच्चे भी खुश हो जाते हैं, नाना भी खुश हो जाते हैं। तो हम लोग अभी ग्रॉसरीज करने जा रहे हैं, वापसी भी इंशाल्लाह केक पिक करेंगे, फिर नाना के साथ केक विक काट के फिर, ठीक है। तो अब जो है चलते हैं ग्रॉसरीज करने के लिए। ग्रॉसरीज का पार्ट मैं शूट नहीं करूँगी, बहुत थकी पड़ी हूँ, किसी और दिन करेंगे, बस फादर्स डे वाला पार्ट शूट करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट में ये जो एक प्रिकॉशनरी डालने का, आराम से गाड़ी चलाएं, मकसद ये था कि छोटी छोटी प्रिकॉशंस को आप लोग भी फॉलो करें, ठीक है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बच्चे उदास ज़रूर हो गए थे लेकिन जो है ना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। चले, मैं अब इसको बंद कर रही हूँ फ़ोन को, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस रोलर कोस्टर में बैठ के फ़ोन को कैरी करना और आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़। बंद हो जा यार, मेरा फ़ोन हीटअप हो गया, बंद ही नहीं हो रहा। हर चीज हैप्पी बर्थडे नहीं होती, बस इतनी अच्छी कॉफी वाली पेस्ट्री का नाश मार दिया, मार मार के छुरियां। बस बस बस, एक दो तीन चार, सबको बना हो दिया, 5 6 7 8 आगे पीछे बोलो हाथ, 9 10 11